हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरएस सक्सेस शॉर्ट। केआरएस सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सभी के लिए। यूपी TSSC जूनियर असिस्टेंट 2016 जिसके नोटिस जारी हो चुका था टाइपिंग टेस्ट के लिए, और जिसका जो है एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। और ये बात जो है आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। सभी लोग अपना अपना एडमिट कार्ड है वहाँ जल्दी जल्दी जो है डाउनलोड कर लें। और साथ में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं, आइए देख लेते हैं क्या निर्देश दिए गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर, पूरा मैं आपको ये नोटिस पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, बस मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि उक्त के क्रम में समृद्ध कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016-2 की संपन्न लिखित परीक्षा के आधार पर द्वितीय चरण के हिंदी टंकड़ एवं अंग्रेजी टंकड़ परीक्षा हेतु अहर्य पाए गए समस्त 4,264 अभ्यर्थियों को एजेंट द्वारा सूचित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थियों की टंकड़ परीक्षा निम्न कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 13/1/2021 से 23/1/2021 तक प्रतिदिन 2 पालियों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया, समझ में आ गया, आपको डेट्स पहले से मालूम थी। सभी लोग अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और देख लें कि किसका एग्ज़ाम किस डेट को पड़ा है। ठीक है, आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट जो है आयोग की STTP UPSSC.gov.in पर जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद से देख लेते हैं कुछ निर्देश भी दिए गए हैं यहाँ पे। अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र में प्रवेश की पूर्व तलाशी ली जाएगी एवं परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक डेटा भी लिया जाएगा। इस हेतु अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा पूर्व रिपोर्ट करना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के समय से आधा घंटा पूर्व अर्थात प्रथम पाली हेतु प्रातः 9:30 बजे और द्वितीय पाली हेतु अपराह्न 1:30 बजे मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा, यानी कि 1:30 बजे गेट को बंद कर दिया जाएगा। अगर आपका द्वितीय पाली में है तो आपके एडमिट कार्ड पर 12 बजे का समय ज़रूर से दिया होगा। ठीक है, कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत अभ्यर्थियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु तो परीक्षा केंद्र में प्रवेश से लेकर परीक्षा समाप्ति के उपरांत परीक्षा केंद्र से बाहर जाने तक लगातार मास्क का प्रयोग किया जाना और परीक्षा केंद्र पर केंद्र के प्रधानाचार्य नोडल अधिकारी के द्वारा कोविड-19 के रोकथाम व बचाव हेतु दिए गए निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा। ठीक है, अगर आप इसका जो है पालन नहीं करेंगे तो आपका अभ्यर्थन जो है निरस्त भी किया जा सकता है। तो अपना मास्क ज़रूर से लेकर के जाएं, पहन के जाएं वहाँ पे। अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किए जाने और प्रवेश पत्र एवं उपस्थिति पत्रक पर लगी फोटो से अभ्यर्थी का मिलान सत्यापन किए जाने के उपरांत सत्यापित अभ्यर्थी को ही टंकड़ परीक्षा में अनुमति दी जाएगी। यदि सत्यापन के दौरान जांच में पाया जाता है कि वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा टंकड़ परीक्षा में प्रतिभाग करने का प्रयास किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किसी भी तरह से अनौपचारिक प्रवेश आपको नहीं दिया जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है कि अपनी अर्हता को पढ़ लेना है, क्या क्या चीज़ें हैं सुनिश्चित करना है आपको ये सारी चीज़ें। और इसके बाद से आपको कह रहा है कि आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए साथ में अवश्य लेकर के आएँ। ठीक है, और प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना कोई एक आईडी प्रूफ आपको लेके आना है। फॉर द एग्जांपल आप आधार कार्ड लेके जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ठीक है, जिस पर अभ्यर्थी की एक फ़ोटो अवश्य हो, उसकी मूल प्रति और उसकी एक छाया प्रति एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की 2 फोटोग्राफ्स जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर लिखा हो। ठीक है, ये लेकर आपको उपस्थित होना है। अर्थात आवेदक सिर्फ प्रवेश पत्र, कोई एक मूल पहचान पत्र की एक फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो और काला बॉल पॉइंट पेन लेकर ही परीक्षा कक्ष में जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य सामान की जो है वहाँ पे आपको जो है अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के मोबाइल फ़ोन आदि को जमा कराए जाने की व्यवस्था केंद्र व्यवस्थापक के द्वारा की जाएगी। ठीक है, और किसी तरह का मोबाइल फ़ोन आईडी आप देख सकते हो, आईपैड, पेन ड्राइव हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, डेटा कार्ड हुआ, कैलकुलेटर, कोई भी विद्युत सामग्री, ठीक है, या फिर तार को परीक्षा केंद्र के भीतर नहीं ले जा सकते हैं आप। टंकड़ परीक्षा के लिए जो है परीक्षा केंद्र पर डेस्कटॉप कंप्यूटर की व्यवस्था केंद्र व्यवस्थापक के द्वारा की गई है। ठीक है, तो आप अपना लैपटॉप जो है, डेस्कटॉप, टाइपराइटर, ऐसा कुछ लेकर के नहीं जाएंगे वहाँ पे। कोई भी अभ्यर्थी जो है कीबोर्ड अथवा कीबोर्ड स्टिकर साथ लेकर नहीं जाएगा। टंकड़ परीक्षा में किसी भी प्रकार के कीबोर्ड स्टिकर आदि की अनुमति नहीं है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर
यहाँ पे दो लैंग्वेजेस में आपको जो है परीक्षा देनी है, हिंदी और इंग्लिश। और साथ में देखिए फॉन्ट की बात की गई है, तो ये मंगल फॉन्ट, ट्रेडिशनल और देवनागरी अथवा कृति देव फॉन्ट 10 पर ही देना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इस टंकण परीक्षा हेतु। इसके अतिरिक्त अन्य कोई फॉन्ट स्वीकार्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में अपनी जगह पर बैठने के पश्चात अपने कीबोर्ड एवं माउस का परीक्षण सुनिश्चित करें कि कीबोर्ड व माउस पूर्ण रूप से सही कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। परीक्षा शुरू होने से पूर्व ही उपरोक्त के बारे में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई से कक्ष निरीक्षक को सूचित नहीं करने की दिशा में परीक्षा पूर्ण हो जाने के उपरांत इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत ग्राह्य नहीं होगी। पहले ही से आप चेक कर लें अपना कीबोर्ड, आपका माउस सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान से देख लेनी है, और जो भी आपकी आवश्यक सूचनाएं हैं उसकी प्रविष्टि आपको कंप्यूटर पर ध्यानपूर्वक करनी है, ठीक है। साथ में ये भी दिया हुआ है कि अभ्यर्थी कंप्यूटर पर परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व अथवा परीक्षा समय में परीक्षा सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त किसी अन्य सॉफ्टवेयर को नहीं खोलें, और टंकण के दौरान कंट्रोल की का उपयोग नहीं करें, अन्यथा इससे होने वाली किसी भी तकनीकी अथवा अन्य समस्या के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। यानी कंट्रोल की का यूज़ आपको नहीं करना है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं ये चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है, किसी भी तरह की कोई नकल की सामग्री ना रखें अपने पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और एक बार जो है टंकण परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षा समय पूर्ण होने पर ही टंकण कार्य को विराम दें, ठीक है, ताकि उसका गणना जो है सही तरीके से किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, और टंकण परीक्षा के दौरान कंप्यूटर सिस्टम या कीबोर्ड में कोई भी तकनीकी त्रुटि आने पर अभ्यर्थी के द्वारा तत्काल कक्ष निरीक्षक को इस संबंध में अवगत कराया जाए। वह अपने बैच की परीक्षा अवधि समाप्त होने के उपरांत विलंबतम 30 मिनट के अंदर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित आयोग के नोडल अधिकारी को निर्धारित पत्र पर लिखित शिकायत दी जाए, ठीक है। परीक्षा समाप्ति के 30 मिनट के उपरांत किसी भी अभ्यर्थी की कोई शिकायत ग्राह्य नहीं होगी। शिकायत प्राप्त होने पर नोडल अधिकारी द्वारा शिकायत के संबंध में कक्ष निरीक्षक व कंप्यूटर सिस्टम प्रभारी की आज्ञा प्राप्त की जाएगी, और शिकायत सही पाए जाने की स्थिति में ही अभ्यर्थी को पुनर्परीक्षा की अनुमति देते हुए पुनर्परीक्षा की तिथि, पाली व समय से अभ्यर्थी को अवगत कराया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, और सभी लोग अपना अपना एडमिट कार्ड जल्दी से ज्वाइन कर लें, ठीक है, और अपने अपने जो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी जो है वो अच्छे से करते रहें। सो आई होप गाइस कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। सभी लोग अपना अपना एडमिट कार्ड जो है जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लें। सो गाइस जो भी लोग अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर रहे हैं सभी लोग जो है उसको एक जगह सेव कर लें, और आपको अब पता चल गया होगा कि आपको वहाँ पर जो है टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या लेकर के जाना है, ठीक है। उन सारी चीज़ों को अपना जो है एक जगह आप रख के पहले किनारे कर लें। आपका एडमिट कार्ड, दो फोटोग्राफ्स चाहिए आपको, उस पर अपना जो है पिक्चर रोल नंबर लिखना है आपको, ठीक है, नेम लिखना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आईडी प्रूफ चाहिए ओरिजिनल, और उसकी एक फ़ोटो कॉपी चाहिए आपको। ये चीज़ें तो आपको लेकर के जानी ही है। साथ में COVID-19 को ध्यान रखते हुए आप सभी लोगों को मास्क ज़रूर से लेकर के जाना है। मास्क को पहन के जाएँ, पूरी सेफ्टी के साथ जाएँ, जैसे भी जा रहे हैं आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत दूर दूर से भी आने वाले हैं यहाँ पर, तो अपना प्रिकॉशन लेकर के चलते रहें। साथ में सैनिटाइजर्स का भी यूज़ ज़रूर करें, है ना, क्योंकि कौन सा बंदा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसी को कुछ नहीं पता होता है। और COVID-19 के टाइम में तो आपको पता ही है कि प्रिकॉशन कितने ज़्यादा ले रहे हैं। तो सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, जिनके जिनके टाइपिंग टेस्ट हैं इसमें। आई होप कि आप सभी अपना बेस्ट दें, और प्लीज़ बिल्कुल प्रेशर में मत आइएगा। जैसा आपको आता होगा वहाँ पर अपना माइंड एकदम माइंड सेट करके एकदम अच्छे से एकदम फोकस्ड रहिएगा, और अच्छे से अपना अपना टाइपिंग दीजिएगा। सो आई होप गाइस आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।